अरे भैया, भ्रष्टाचार के बारे में अब तेजस्वी यादव जी बोलेंगे तब तो लोग हंसेंगे ना, जिनका सर से पांव तक भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है, और एक व्यक्ति नहीं पूरा परिवार, और उसमें भी भ्रष्टाचार के कई ऐसे आरोप हैं जो। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूँ आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पर हैं, इस पर राष्ट्रीय लोक मोर्चा उपेंद्र कुशवाहा कहते नजर आए हैं कि पीएम मोदी की जो लहर है वो चौतरफा है, उन्हें कोई हरा नहीं सकता, वो आ रहे हैं बिहार तो ये और अच्छी बात है। तो वहीं तेजस्वी यादव का मजाक उड़ाते भी नजर आए उपेंद्र कुशवाहा। दरअसल तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी से 10 सवाल पूछ डाले थे, ये भी पूछा था कि पीएम मोदी आखिर क्यों नहीं भ्रष्टाचार पर बात करते। इस पर उपेंद्र कुशवाहा ने उनका मजाक उड़ाते हुए कह दिया कि तेजस्वी यादव भ्रष्टाचार की बात करेंगे तो लोग हंसेंगे। तो वहीं आपको बता दें, पवन सिंह काराकाट से चुनावी मैदान में उपेंद्र कुशवाहा को टक्कर देने वाले हैं, इस पर भी बड़ा बयान देते नजर आए कुशवाहा। क्या कुछ कहा, पहले आप ये बयान सुने। मोदी जी आए हैं, मोदी जी की हवा तो पहले ही से चल रही, जहाँ जा रहे हैं मोदी जी वहाँ वह हवा लहर के रूप में परिवर्तित हो जा रही है। तो चौतरफा मोदी जी की हवा है, हवा ही हवा है, लहर है, इसलिए आ रहे हैं तो और अच्छा है, उनका स्वागत है, इससे और मजबूती मिल रही है। पवन सिंह जो है ने पूछे पीएम मोदी से, कहा कि भ्रष्टाचार, वंशवाद, परिवारवाद पे कम मोदी जी मुंह खोलेंगे। अरे भैया, भ्रष्टाचार के बारे में अब तेजस्वी यादव जी बोलेंगे तब तो लोग हंसेंगे ना, जिनका सर से पांव तक भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है, और एक व्यक्ति नहीं पूरा परिवार, और उसमें भी भ्रष्टाचार के कई ऐसे आरोप हैं जो कोर्ट से बजाबता साबित हो चुका है, अब वो क्या बोलेंगे भ्रष्टाचार के बारे में। अरे भैया, आप लोग बिना मतलब हवा मत बनाइए। जिसके ऊपर नरेंद्र मोदी जी का हाथ है और काराकाट की महान जनता का आशीर्वाद है, दुनिया की कोई ताकत उसके रास्ता में बाधा नहीं खड़ी कर सकती है, समझ ली। आप सुन रहे थे राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को एक ओर तेजस्वी यादव का मजाक उड़ा रहे थे, तो दूसरी ओर पवन सिंह को लेकर एक बार फिर से कह दिया कि वो मुझे नहीं हरा पाएंगे। दरअसल चुनावी मैदान में निर्दलीय हैं पवन सिंह काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा के सामने खड़े हैं, तो उस पर उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कह दिया कि पीएम मोदी के नेतृत्व में जो भी चुनाव लड़ रहा है उसे कोई हरा नहीं सकता। एक तरीके से उपेंद्र कुशवाहा ने यह साफ कह दिया है कि पवन सिंह उन्हें चुनाव में नहीं हरा पाएंगे। तो वहीं तेजस्वी यादव ने जो पीएम मोदी से 10 सवाल किए थे, भ्रष्टाचार को लेकर सवाल किए थे, उस पर भी उपेंद्र कुशवाहा ने बड़ा बयान दिया। तेजस्वी यादव के सवालों का मजाक उड़ाते हुए कहा कि तेजस्वी यादव को भ्रष्टाचार के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहिए। तमाम मुद्दों को लेकर राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा क्या कुछ कहते नजर आए, ये हमने आपको सुनाया। फिलहाल इस खबर में इतना ही, आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।